आईपीएल 2020 की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है दोस्तों। आईपीएल का शेड्यूल बीसीसीआई ने रिलीज्ड कर दिया है और आज इस वीडियो में हम आपको पूरा शेड्यूल बताएंगे, तो देर नहीं करते हैं दोस्तों, फटाफट शेड्यूल की तरफ चलते हैं। दरअसल दोस्तों इस साल का जो आईपीएल होने वाला है वो 5 अलग अलग फेज में, मतलब 5 अलग अलग चरणों में होने वाला है। जो पहला फेज रहने वाला है, पहला चरण रहने वाला है दोस्तों, उसमें शुरुआती 10 मैचेस आईपीएल के होने वाले हैं। पहला मैच जैसा कि हमें पता है, मैंने पहले भी बताया आपको, 29 मार्च कोई कंफर्म हुआ है, तो जो हमने कहा था उस पर ही मोहर लगी है। मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुंबई में आईपीएल का पहला मैच 29 तारीख को होने वाला है। उसके अलावा दोस्तों ये जो पहला फेज रहेगा ये मोस्टली साउथ इंडिया में ज्यादातर मैचेस होंगे। उसके साथ ही दोस्तों जो पहला गुवाहाटी का मैच होगा वो भी इसी पहले फेज में होगा 5 अप्रैल को। साथ ही दोस्तों जो आईपीएल का 8वां और 9वां मैच रहने वाला है ना पहले फेज में, उसमें इसी आईपीएल का पहला डबल हेडर भी होने वाला है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस साल आईपीएल में सिर्फ 5 डबल हेडर्स खेले जाएंगे और इस पहले फेज में 8वां और 9वां मैच 5 अप्रैल को मुंबई इंडियंस आरसीबी और राजस्थान और दिल्ली के बीच एज ए डबल हेडर्स खेला जाएगा। तो ये तो था दोस्तों पहला फेज, अब चल लेते हैं आईपीएल के दूसरे फेज की तरफ। लेकिन दोस्तों आप भी आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं, एमसीपी क्रिकेट फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, उसके बारे में बताना भूल गया। तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है दोस्तों, इसके लिए सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना होता है। तो यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आईपीएल के दूसरे फेज की। तो 11वें से लेकर 20वां जो मैच होगा आईपीएल का, ये दूसरे फेज के अंदर यहां पर आईपीएल के मैचेस खेले जाएंगे, दूसरे चरण में खेले जाएंगे। यहां पर दोस्तों ये वो समय हो जाएगा जब आईपीएल के एक पॉइंट टेबल सेटल हो जाएगा और पूरे देश में आईपीएल फैलने लगेगा। गुवाहाटी में जो इस साल आईपीएल का दूसरा मैच होने वाला है दोस्तों, वो भी 9 अप्रैल को इसी फेज में होगा। तो वही दोस्तों सेकंड फेज में इस आईपीएल का दूसरा डबल हेडर भी खेला जाएगा। 16वां और 17वां मैच दोस्तों 12 अप्रैल 2020 को एज अ डबल हेडर हैदराबाद राजस्थान और केकेआर और मुंबई के बीच खेला जाएगा। आप अपनी स्क्रीन पर सारी डिटेल देख पा रहे होंगे। दोस्तों ये तो थे आईपीएल के शुरुआती 2 चरण, मतलब शुरुआती 20 मैचेस खत्म हो जाएंगे। अब दोस्तों जब शुरुआती 20 मैचेस खत्म हो जाएंगे ना, तो आईपीएल एक बहुत ही डिसाइडिंग कंडीशन में पहुंच जाएगा, क्योंकि बहुत सारी टीमों का हमें पता लग जाएगा कि कौन सी टीम बहुत बुरा खेल रही है और यहां से चीजें जो है वो तय होने लगेगी। उसके बाद दोस्तों शुरू होगा आईपीएल का तीसरा फेज। आप देख पा रहे होंगे 21वें मैच से लेकर आईपीएल के 30वें मैच तक तीसरा फेज आईपीएल का जो है वो खेला जाएगा। यहां पर दोस्तों पूरे देश में आईपीएल फैल जाएगा, कई सारे स्टेडियम्स के बारे में हमें पता लग जाएगा कि पिच कैसी बिहेव कर रही है। साथ ही ये भी पता लग जाएगा कि कौन सी पिच पर किन गेंदबाजों को, बल्लेबाजों को खिलाना चाहिए। तो ये एक बहुत कहना एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है तीसरा फेज आईपीएल में। यहां पर दोस्तों इस आईपीएल का तीसरा डबल हेडर खेला जाएगा। दरअसल दोस्तों 19 अप्रैल को जो कि संडे रहेगा, आईपीएल का 24वां और 25वां मैच एज अ डबल हेडर खेला जाएगा। ये इस आईपीएल का तीसरा डबल हेडर रहने वाला है और डबल हेडर इस साल कम हुए हैं, लेकिन ये डबल हेडर इस साल आईपीएल इतिहास के आखिरी भी हो सकते हैं, क्योंकि अगले साल से बीसीसीआई प्लानिंग कर रहा है कि इन्हें बंद कर दिया जाए। तो ये तीसरा डबल हेडर रहने वाला है। दोस्तों ये तो थे शुरुआती 3 चरण। जब शुरुआती 3 चरण खत्म हो जाएंगे दोस्तों, तो चौथा चरण शुरू होगा। लेकिन शुरुआती 3 चरण खत्म होने के बाद ये जो चौथा चरण रहने वाला है ना, ये प्लेऑफ को डिसाइड करेगा। मतलब यहां पर हमें ये पता लगेगा कि प्लेऑफ में कौन जाएगा, क्योंकि 31वें से लेकर 40-41 जो मैचेस होंगे ना, वो इस फेज के अंदर 10-11 मैचेस होने वाले हैं। और यहां से हमें पता लग जाएगा कि कौन सी 2 टीमें कंफर्म्ड पहुंच रही हैं और कौन सी 2-3 टीमें लड़ाई लड़ रही हैं प्लेऑफ पहुंचने के लिए। तो ये इसका शेड्यूल भी दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, पूरे देश के बारे में हमें पता लग ही जाएगा। इस चौथे चरण में इस आईपीएल का चौथा डबल हेडर होने वाला है। दरअसल दोस्तों 40वां और 41वां मैच जो होगा 3 मई 2020 को और एज अ डबल हेडर होने वाला है, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। और दोस्तों ये 4 चरण होंगे, फिर शुरू होगा आईपीएल का 5वां चरण। दोस्तों आईपीएल का जो 5वां चरण होगा वो डिसाइड करेगा प्लेऑफ की 4 टीमों को। मतलब कि इस चरण के बाद हमें पता लग जाएगा कि कौन सी टीमें जो है वो जा रही हैं प्लेऑफ में, और वो कंफर्म्ड हो जाएगा जब शुरुआती मैचेस होंगे। आईपीएल का इस चरण में दोस्तों 41वें से लेकर 56, कुल 16 मैचेस खेले जाएंगे इस चरण में। और यहाँ पर दोस्तों लगभग एक तो कुल डबल हेडर होगा, 5वां इस आईपीएल का आखिरी डबल हेडर होगा, जो कि 48वां और 49वां मैच होगा 10 मई 2020 को, जो कि चेन्नई और कोलकाता में खेले जाएंगे। और हो सकता है ये आईपीएल इतिहास का आखिरी डबल हेडर भी हो। उसके अलावा दोस्तों पूरे भारत में
आखिरी दौर के आईपीएल मैचेस इस समय चल रहे होंगे, इसके बाद आईपीएल नहीं होंगे। और उसके अलावा दोस्तों 17 मई 2020 को आखिरी लीग मैच खेला जाएगा, आईपीएल का आखिरी लीग स्टेज का मैच आरसीबी और मुंबई के बीच बेंगलोर में खेला जाएगा, जो आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह का दोस्तों पूरा शेड्यूल है। उसके बाद प्लेऑफ के बारे में अभी तक पूरी जानकारी नहीं है, जैसे ही जानकारी आएगी तो जो चार प्लेऑफ है उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। उसके वेन्यूज को लेकर थोड़ा अहमदाबाद और मुंबई के बीच थोड़ी सी तकरार है, हो सकता है मुंबई में ही हो, कुछ लोग अहमदाबाद भी बोल रहे हैं, उसके बारे में जानकारी आएगी। ये तो था दोस्तों आईपीएल का पूरा शेड्यूल जो आपने देखा। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और आपके हिसाब से कौन जीतने वाला है आईपीएल। अपने आईपीएल का दिमाग कमेंट बॉक्स में लगाइए, कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।